लोक धर्मी नाट्य परंपरा में भिखारी ठाकुर का खास स्थान रहा है। 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले में जन्म लेने वाले भिखारी ठाकुर का पूरा जीवन नाटकों को समर्पित रहा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें भोजपुरी का अनगढ़ हीरा कहा है, तो वहीं अंग्रेजी के विद्वान डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने इन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर की संज्ञा दी है। चोरी रचेउ बिचारी कहे भिखारी कुशल करौनी त गणपति उमा त्रिपुरारी परदेश जाए कर कही के हे जीव। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार ही नहीं थे बल्कि एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे जीवन भर सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ कई स्तरों पर जूझते रहे। उनके अभिनय और निर्देशन में बनी भोजपुरी फिल्में विदेशिया आज भी लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच पहले जितनी ही लोकप्रिय है। देशा देशे तुम्हारा भातार कौन खोजता है रे? काल दे मन लाए विदेशी सुन लो अर्ज हमार आया गी लगाऊ हे नौकरी रे बजर पर हुजुआ स्वार आ तोहर धनी भलाउ बबुआ आ बन के कोई लिया आ पी पी तोही के पुकार आ पथला के छाती तोहर हवे हे विदेशी सुनता ना फाट त दारार ए लो काला कातावा तो खातावा भेजई त आ ताबर हो तोड़ आ रोपे आ भेजई तो मनिया डर से गोइया में आ होई तो हो सोड़। उनके निर्देशन में भोजपुरी के नाटक बेटी बेचवा, गबर घिचोर, बेटी वियोग का आज भी भोजपुरी अंचल में मंचन होता रहता है। हाय नाथ तो है सौंप दिन मोर भाई बाप महतारी सत के बंधन तोड़ के स्वामी जी मत करहूं बरियारी तो हम तो है संबंध विधाता जोरी रचे वो बिचारी कहे भिखारी कुशल करहूं नित गणपति उमा त्रिपुरारी गणपति उमा त्रिपुरारी नीता गणपति उमा त्रिपुरारी नीता। इन नाटकों और फिल्मों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने सामाजिक सुधार की दिशा में अद्भुत पहल की है। लोक धर्मी नाटकों में कथानक और पात्र ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, न कि मंच व्यवस्था। सब कुछ मंचन नहीं करते हुए वे बहुत कुछ दर्शकों की कल्पना शक्ति पर भी छोड़ देते हैं। भिखारी ठाकुर की मंच व्यवस्था खुला और अत्यंत मामूली होता था। पीछे के भाग पर एक साधारण पर्दा टंगा होता था जिसके सामने वाद्य यंत्र बजाने वाले मंच के एक कोने में बैठते थे। मंच पर पात्रों का आना जाना नेपथ्य से या फिर दर्शकों के बीच गुजर कर भी होता था। भिखारी ठाकुर के नाटकों में ज्यादातर नारी पात्रों की भूमिका पुरुष ही करते थे। अपने अंतिम समय तक उन्होंने सामाजिक संदेश से ओतप्रोत बेहतरीन नाटक दिए।